देखो, ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम ज्ञान प्राप्ति के स्रोत पढ़ रहे थे, जिनमें ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में समाज, विद्यालय, आधुनिकता और इस तरह से शिक्षा से संबंधित हैं। तो वही स्रोत हम इसमें पढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने बता दिया है कि जैसे जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है वो इनके अलावा भी और भी हो सकते हैं। हम अपनी पाठ्य सामग्री के अनुसार जो इसमें संदर्भ में जो स्रोत बताए गए हैं उनके अनुसार हम विद्यालय को ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी हमें जैसे जो विद्यालय है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में विद्यालय इस तरह से हम इस विद्यालय को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है विद्यालय। इसी क्रम में हमने विद्यालय में उसके अर्थ को समझ लिया है, किस तरह से विद्यालय क्या है, किस तरह से उसकी व्युत्पत्ति, उसके अर्थ की व्युत्पत्ति हुई है स्कूल से, स्कूल है जो कि अवकाश है, अवकाश के माध्यम से ही विद्यालय का जैसे कि विकास हुआ है, किस तरह से यह संस्थान है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया एक इस तरह का संस्थान है ज्ञान प्रदान करने का, जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो उसी से संबंधित हमने विद्यालय की महत्व, क्या विद्यालय का महत्व है, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा जैसे अब हम बात करें ज्ञान प्राप्ति का वह स्रोत है, तो स्रोत वो है तब हो सकता है जब किसी ना किसी प्रकार के कार्यों को करता है। तो विद्यालय जब किसी ना किसी तरह के कार्यों को पूर्ण करता है तो उन कार्यों की पूर्ति के माध्यम से ही वह स्रोत के रूप में भी सामने आता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि विद्यालय है वो है ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो क्या क्या उसके कार्य हैं जिनसे उसे ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में कहा गया है, तो हम आज जो विद्यालय के कार्य हैं उनको पढ़ेंगे। स्कूल या कहें विद्यालय के कार्य, जैसे हमने कल जो आवश्यकताएं और महत्व पढ़ी थी, तो आवश्यकताएं और महत्व में भी एक तरह जो आवश्यकता और महत्व हमने पढ़े, तो उन आवश्यकताओं और महत्व में भी कुछ बातें इसी तरह की बताई गई कि किस तरह से संस्कृति के है जो उसकी रक्षा भी विद्यालय करता है, उसका ज्ञान भी विद्यार्थियों को प्रदान करता है, किस तरह से ज्ञान है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। तो समस्त वही जो उसकी आवश्यकता और महत्व है, लगभग कार्य भी वो इसी प्रकार के करेगा, क्योंकि इसी तरह से वो ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करवाने के स्रोत के रूप में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इससे पहले भी मैंने काफी बातें स्पष्ट की हैं कि जैसे आधुनिकता के इस युग में जैसे जो घर परिवार से भी विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ सीखना होता है, जैसे कि कहा ही गया है, ऐसा कहा भी गया है, बहुत बार बताया गया है कि बालक की प्राथमिक पाठशाला उसका घर ही होता है। एक तरह से ये भी कहते हैं कि जैसे प्राथमिक पाठशाला घर है तो कोई ना कोई प्राथमिक शिक्षक भी होगा उसका, तो बालक का प्राथमिक शिक्षक भी एक तरह से माता को माना गया है। तो जो बालक की माता होती है वही उसकी प्राथमिक शिक्षिका भी होती है। इस दृष्टि से एक तरह से बालक बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नैतिक बातें हैं, ज्ञानवान बातें हैं जो कि जैसे घर परिवार आसपास के वातावरण से भी सीख कर आता है। लेकिन एक तरह से जो आधुनिकता का युग है, ये संचार का इस तरह का युग प्रारंभ हो गया है कि जैसे कहें कि घर परिवार के लोगों को बच्चों के लिए समय कम मिल पा रहा है, या कहें कि परिवारों की जो प्रक्रिया है या परिवारों का जो ढंग है वह भी बदल गया है, या परिवार भी जिस तरह से पहले लोग मिलकर रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, वो परिवार भी धीरे धीरे एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में कहीं कुछ अंतर आ रहा है, जो उनकी प्राथमिक शिक्षा जो उन्हें घर पर ही मिल जाया करती थी। लेकिन उस अंतर के कारण जैसे मैंने इससे पहले भी मैंने समझाया था, इस बात को बताया था कि वह सारी जिम्मेदारी भी जैसे उसका उत्तरदायित्व भी अब विद्यालय पर ही आ गया है, क्योंकि विद्यालय का उत्तरदायित्व तो क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है,
संपूर्ण तरीके से उसको विकसित करना है पूर्ण रूप से। इस तरह से बालक क्रिया, जैसे बालक के रूप में वो विद्यालय में प्रवेश लेता है, लेकिन युवक छात्र एक तरह से किशोरावस्था तक वो पहुंच जाता है, उसके आगे की भी कैसे वो अध्ययन करता है, तो एक तरह से कहीं भी एक सफल नागरिक बनकर उसे विद्यालय से तैयार करके तैयार किया जाता है। तो इस तरह के कार्य करने के लिए तो किसी न किसी प्रकार के बहुत सारे कार्य हैं जो विद्यालय को करने पड़ते हैं। तो उसी दृष्टि से हम विद्यालय के कार्यों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम बात करें सामाजिक जीवन का संरक्षण और स्थायीकरण, तो यह कार्य भी किसके द्वारा होता है? विद्यालय के द्वारा। जैसे सामाजिक जीवन का स्थायीकरण एवं संरक्षण, सामाजिक जीवन है उसका स्थायीकरण और संरक्षण, तो इस तरह से किस तरह से उसे स्थायित्व प्रदान करना है और संरक्षित करना है, यह कार्य विद्यालय के द्वारा किया जाता है। जैसे जो परंपराएं हैं समाज की, जो सामाजिक मूल्य हैं समाज के, और एक तरह से उन मूल्यों को सामाजिक जीवन में निरंतर बनाए रखने के लिए, उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को उस और उसके प्रति अग्रसित करना, उनकी महत्ता उनके सामने स्पष्ट करना और उनको उन मूल्यों को उनके जीवन में उतारने के लिए उन्हें प्रेरित करना, इस तरह का कार्य विद्यालय के द्वारा ही संभव हो पाता है। किसी न किसी पाठ्य वस्तु विषय सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों तक उन सामाजिक मूल्यों परंपराओं को उन तक पहुंचाया जाता है, उन्हें उनसे संबंधित जानकारी या ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि वह समस्त जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति हो पाती है। तो इस दृष्टि से जो एक पीढ़ी का ज्ञान है दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी विद्यालय ही कर रहा है, उससे सामाजिक जीवन का स्थायीकरण भी होता है और संरक्षण भी हो पाता है। इसी तरह से बात करें जैसे जो संस्कृति है और उस सभ्यता है उसका विकास भी विद्यालय के द्वारा ही होता है। संस्कृति व सभ्यता का विकास जैसे संस्कृति है जो हमारे समाज का, हमारे परिवार का जो रहने सहने का ढंग है, जो रहन सहन का ढंग है, कुछ हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम मानते आ रहे हैं, जो हमारे विकास का आधार है, इस तरह से जो हमारी संपूर्ण सामाजिक विरासत है, तो संपूर्ण सामाजिक विरासत से जो संपूर्ण युवा पीढ़ी है उसको किस प्रकार उससे परिचित करवाना, क्योंकि आज का जो युवा है वह पाश्चात्य संस्कृति से भ्रमित होता जा रहा है, उसकी अपनी संस्कृति है वो कहीं बहुत पीछे जैसे छूटती जा रही है, उसे वो मानने को तैयार नहीं होता, उसे लगता है कि जैसे इन्हें मानने से वह कहीं बहुत पिछड़ा नजर आएगा, तो बहुत सारी बातें हैं इस तरह के भ्रम को विद्यार्थियों के दिमाग से निकाल करके एक तरह से उस सामाजिक विरासत से उनका परिचय करवाना जो कि उनकी एक धरोहर है, जो उनके विकास का आधार है। तो इस दृष्टि से इस तरह का कार्य है वह भी विद्यालय करता है, विद्यालय भी इस कार्य को उत्तरदायित्वपूर्ण निभाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में सफल जीवन निर्वाह के लिए सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहना, उसको विकसित करना भी आवश्यक होता है। इसी तरह से जैसे व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास का कार्य भी विद्यालय ही करता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का कार्य विकास का कार्य
जैसे सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं, तो हालांकि जो सर्वांगीण विकास है बालक का, तो उसको हमने कई बार डिफाइन भी किया है सर्वांगीण से, अर्थात सभी तरह से है, जिसमें कई सारे विकास होते हैं, भौतिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सभी तरह के उसके विकास हैं। तो सभी तरह के विकास का मुख्य कार्य विद्यालय द्वारा ही पूरा किया जाता है। बालकों को जैसे पाठ्य वस्तु है, पाठ्य सामग्री है, उसके माध्यम से उनका बौद्धिक विकास किया जाता है। कहीं जहाँ शारीरिक विकास की आवश्यकता होती है, तो शारीरिक विकास के लिए विद्यार्थियों को पाठ्य क्रम में ही इस तरह से कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। जैसे जो पाठ्येतर क्रियाएं होती है वो पाठ्यगामी क्रियाएं कहलाती हैं, और जो उसके साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, जैसे हम जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो तो पाठ्यगामी क्रियाओं में आ जाएगा, जिससे बालक का बौद्धिक मानसिक विकास किया जा रहा है, इस तरह से उन्हें ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। और इसी तरह से उनके शारीरिक विकास के लिए भी जो इनके साथ जो पाठ्यगामी विषय वस्तु है, इनके साथ साथ चलने वाली कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे विद्यार्थियों को उनके जैसे शारीरिक अंग हैं कहीं ना कहीं वो उनके पुष्ट होते हैं, जैसे किसी भी प्रकार के खेल उनको से करवाए जाना। तो जब वो खेल खेलते हैं, खेल के ग्राउंड में जाते हैं, कई तरह के खेल है, कई तरह के नाम है खेलों के, जो उनके सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनको खेलने से विद्यार्थियों का शारीरिक विकास होता है। तो इस तरह से उन्हें शारीरिक रूप से समृद्ध करने के लिए जो विद्यालय है उसमें पाठ्यगामी क्रियाओं के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी चलवाई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में केवल शारीरिक विकास से संबंधित ही नहीं होती, पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत सारी अलग तरह से भी होती हैं, जो उनके मानसिक विकास को भी विकसित करती हैं, कहीं उनका नैतिक विकास होता है, कई तरह की हैं। तो उसी से संबंधित कहीं अंताक्षरी है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता है, कहीं खेल कूद है, खो खो है, या और कोई खेल है, भाला फेंक है, क्रिकेट है, बहुत सारे खेल हैं जो कि पाठ्य सामग्री में भी कहीं ना कहीं किसी तरह से विद्यार्थियों को उनके प्रति प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। इसी तरह से जैसे बालक हैं तो उनके कलात्मकता को, उनकी कुशलता को और निखार करने के लिए उससे संबंधित भी किसी ना किसी प्रकार के कौशल से संबंधित कार्य भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रखे जाते हैं। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जैसे बालक है वह ज्ञान अर्जन तो करता ही है, तो ज्ञान अर्जन करने के साथ साथ समस्त उसके अंदर जैसे सारी जो बातें मैंने बताई है पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, ज्ञान अर्जन के साथ साथ उसकी आदतें हैं, जो कौशल है वह भी विकसित होता जाता है, और उसकी अभिव्यक्तियां हैं उनको भी और विकसित किया जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से बालक के व्यक्तित्व का विकास करने का कार्य विद्यालय द्वारा किया जाता है। इसी तरह से जो सामाजिक कुशलता है उसके विकास का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, विद्यालय के द्वारा। जैसे सामाजिक कुशलता के विकास का कार्य, सामाजिक कुशलता का विकास, इस तरह से जो सामाजिक कुशलता है विद्यार्थियों की, वो भी किसी ना किसी प्रकार से विद्यार्थियों को विद्यालय के माध्यम से भी प्राप्त होती है। जैसे हमारा समाज एक तरह से लोकतांत्रिक समाज है, इसी में लोग रहते हैं,
तो लोकतांत्रिक विधियों में किस तरह से बालक को अपने जीवन को निर्वहन करना है, इस दृष्टि से भी उसे प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है और स्कूल का कार्यक्रम इसी के अनुसार ही तैयार किया जाता है। जैसे कई बार मैंने इस बात को भी बताया है कि जैसे जो विद्यार्थी है, एक तरह से हम कहें भविष्य के कर्णधार हैं, एक तरह से बालक हैं, वही देश का भविष्य भी है और उन्हीं के सफल नागरिक बनने से जैसे देश की सफलता उन्हीं पर आधारित होती है। तो जो सरकार होती है, जो देश के नेतृत्वकर्ता होते हैं, वो किस प्रकार के नागरिक चाहते हैं, किस तरह के नागरिक उन्हें चाहिए, किस तरह के नागरिकों से पर वो प्रशासन करना चाहते हैं या देश की गुणवत्ता को किस तरह से आगे बढ़ाना है, तो इन सब का परिवर्तन का आधार क्या है? एजुकेशन, शिक्षा है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम बालकों के मस्तिष्क को, जैसे कि हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे थे विद्यालय के द्वारा, तो जो बालकों को किस तरह से हम उनको तैयार कर रहे हैं देश के भविष्य के लिए, तो उसी प्रकार से हमें शिक्षा में बदलाव की भी आवश्यकताएं बीच बीच में होती रहती हैं और उसी के अनुसार बदलाव होते भी रहते हैं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हुई है, उसमें अलग तरह से विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए कई तरह की अलग योजनाएं तैयार की गई हैं, जिससे विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव भी कम हो और वो अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कर सके। उच्च स्तर की शिक्षा में भी कई अलग व्यवस्थाएं बताई गई हैं और छोटे बालक हैं तो उनके लिए भी किस तरह की अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। जैसा कि विद्यार्थी जो इस विषय को भी पढ़ रहे हैं, इतने छोटे भी नहीं है, सभी पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मोबाइल पर अपडेट रहते हैं, तो सभी ने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको विस्तृत रूप से पढ़ा भी होगा। यदि नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ के देखना कि किस तरह से कैसी योजना उसमें तैयार की गई है। तो कहने से अर्थ उस योजना को बदलने का कारण क्या है? जो नेतृत्व करता है वो ये चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधार स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, किस तरह के नागरिक बनेंगे, किस तरह की गुणवत्ता हमें चाहिए, तो उसी तरह के परिवर्तन वो करते हैं। और उसी तरह के परिवर्तन किसके माध्यम से हो सकते हैं? सबसे जो शिक्षा है, जो राजतंत्र है या पूरा समाज है या कहीं राष्ट्र है, उसमें संपूर्ण रूप से एक परिवर्तन का मुख्य आधार ये क्या है? शिक्षा है। और उसी के आधार पर ये बदलाव किए जा सकते हैं और उन्हीं बदलावों के आधार पर हम विद्यार्थी जिस तरह के उन विद्यार्थियों के माध्यम से जो कि आगे चलकर देश के नागरिक बनने वाले हैं, तो उनको किस तरह का हम तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह की कुशलता उनमें विकसित करना, तो वो विकसित करने का कार्य शिक्षा के माध्यम से ही होता है। और शिक्षा जो कि विद्यालय के माध्यम से ही प्रदान की जा रही है, उसी के माध्यम से उन योजनाओं को लागू भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक कुशलता का जो विकास है वो विद्यालय के द्वारा ही पूरा होता है, इसे विद्यालय के द्वारा ही हम पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे स्कूल के बाद भी वो किस प्रकार अनुकूलन करेंगे, किस तरह से अपना जो सामाजिक जीवन है उसे करेंगे, तो इस तरह की क्षमता भी उनमें विकसित करने का कार्य क्या है, जैसे वह कार्य भी विद्यालय का ही होता है। तो स्कूल के पश्चात अनुकूलन की क्षमता का विकास, तो वह कार्य भी जैसे विद्यालय में ही आता है, स्कूल या विद्यालय। के पश्चात स्कूल या विद्यालय के पश्चात अनुकूलन अनुकूलन की क्षमता का विकास। देखो, बालकों को जैसे विद्यालय के वातावरण में समायोजित करना, विद्यालय के वातावरण में किस तरह से उन्हें अपने जो भी उनके प्रति उनके कार्य होते हैं, जो उनके विषय वस्तु पाठ्य सामग्री होती है उसका अध्ययन उन्हें किस तरह से करना है, जो स्कूल प्रशासन में किस तरह से उनका जो अनुशासन है उसे उन्हें किस तरह से करना है, तो वहाँ अनुकूलन उन्हें करना ही होता है। तो यह सब कार्य तो विद्यालय के द्वारा होता ही है, लेकिन
जैसे स्कूल के बाद वो जब सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगे, किस तरह से वहां वो व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में जो उन्होंने एजुकेशन जो शिक्षा ली है उसका उपयोग कर सकेंगे, तो इस तरह से उस एजुकेशन शिक्षा का व्यावहारिक रूप में वह उपयोग कर सके, इस तरह के लिए अनुकूलन की जो क्षमता है इसके विकास का दायित्व भी विद्यालय का ही होता है। तो विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन में इस तरह से स्कूल के बाद अनुकूलन करने के लिए ऐसी क्षमता भी विकसित करता है। तो स्कूल के पश्चात एक तरह से कैसे वो आगे अपने जीवन का निर्वहन करेंगे तो यह भी आवश्यक है। तो जो ब्राउन है, एक शिक्षाविद है ब्राउन, इन्होंने भी इस तरह की बात कही है कि विद्यालय की जो जिम्मेदारी है, विद्यालय का उत्तरदायित्व केवल विद्यालय में अनुकूलन करना सिखाना या वहाँ की जो सामग्री है विषय सामग्री उसका ज्ञान देना मात्र नहीं है, उसका उत्तरदायित्व उसके बाद जैसे विद्यालय के बाद भी किस तरह से जो बालक है जो व्यक्ति है नागरिक बनकर जैसे वहां से निकलता है या किस तरह से वहां की शिक्षा को पूर्ण करके वह आगे जीवन में प्रवेश करता है तो वहाँ अनुकूलन के लिए वह किस तरह से तैयार होता है, तो वो उस अनुकूलन के लिए तैयार है या नहीं, तो इस तरह से वह आवश्यक है या विद्यालय का उत्तरदायित्व ही है कि वह स्कूल के पश्चात भी अनुकूलन के लिए तैयार रहे, इस तरह की व्यवहारिकता भी हम विद्यार्थियों में विकसित करें, तो यह कार्य भी विद्यालय का ही होता है। इसी तरह से जो जीवन के उच्चतम मूल्य हैं उनका समावेशन का कार्य भी विद्यार्थी के द्वारा ही संभव, विद्यालय के द्वारा ही संभव होता है विद्यार्थियों में विकसित करना। जीवन के उच्चतर मूल्यों का समावेश। मूल्यों का समावेश जैसे मूल्यों की बात करें तो मैंने पहले बताया भी है कि मूल्य किसे कहते हैं। अब जैसे जीवन में हम मूल्यों को समाहित करने की बात करते हैं तो मूल्यों को हालांकि मैंने स्पष्ट करा भी है कई बार लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जैसे जो मूल्य है, मूल्य से अर्थात जो समाज की आवश्यकताएं हैं जो उसके आदर्श हैं उन्हें प्राप्त करना, उन मूल्यों को विद्यार्थियों में विकसित करना। तो मूल्य जैसे हम समाज से संबंधित कहें कि एक तरह से जो एकता है या कहें एक तरह से उसके व्यक्तित्व में जो चारित्रिक विकास है, किस तरह से हमें समाज के प्रति कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं आदर्श हैं हमारे समाज की जो आकांक्षाएं हैं तो उन सब के प्रति उनको पूर्ण करवाना, तो वह सारी उनकी प्राप्ति ही क्या है, एक तरह से उन मूल्यों की प्राप्ति है। तो इस तरह के उच्चतर मूल्य प्राप्त कर लेना या उनका समावेश भी विद्यार्थियों में करवा पाना, यह कार्य भी जैसे विद्यालय का ही है। जो शिक्षा का दायित्व है वह एक तरह से संपूर्ण रूप से बालक में सामाजिक जो मूल्य हैं उनकी सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति को विकसित करने से संबंधित है कि किस तरह से मानो जैसे जो नैतिक और धार्मिक शिक्षा है जिसको प्रारंभ में जैसे मानो पहले शुरू शुरू में जो प्रारंभिक शिक्षा रही थी जो प्राचीन काल में वैदिक पद्धति थी वहाँ गुरुकुल में ही एक तरह से धार्मिक की शिक्षा भी दी जाती थी, नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। जैसा कि मैंने बताया है कि समय के परिवर्तन के आधार पर धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया है, अब शिक्षा का आधार अलग हो गया है, वह गुरुकुल प्रणाली जैसे विद्यालय में ही परिवर्तित हो गई है। तो जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रारंभ में गुरुकुल में दी जाती रही होगी, घर परिवार में दी जाती रही होगी, मंदिरों में दी जाती रही होगी, तो उन शिक्षाओं को भी उस तरह से उस तरह के जो नैतिक और धार्मिक मूल्य हैं या सामाजिक अपेक्षाओं से आकांक्षाओं से संबंधित या सामाजिक आदर्श है उनको प्राप्त करने का या उन्हें बालकों में विकसित करने का कार्य भी अब
विद्यालय का ही हो गया है, शिक्षा का ही यह दायित्व हो गया है कि वह इन उच्चतर जीवन के मूल्यों को भी बालकों में समाहित करे, उनमें विकसित करे। तो इस तरह के कार्यों को करने का कार्य भी अब विद्यालय का ही हो गया है। जैसे 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 बालक में एक तरह से नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए, इस तरह के मूल्यों को विकसित करने के लिए, इसी तरह के कई जैसे महापुरुष हैं, उनके उदाहरण स्वरूप, उनकी कहानियों के माध्यम से, उनके शिक्षा के माध्यम से इस तरह के मूल्य भी बालकों में विकसित किए जाते हैं, जो आज का सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्श है। उनके साथ स्कूल को बच्चों में नैतिक ज्ञान को प्रविष्ट करवाना भी विद्यालय का ही आज दायित्व हो गया है। इस तरह से ये कहें कि मानो स्कूली शिक्षा है बच्चों में सत्य, भलाई, अहिंसा, सुंदरता, इन सब की आकलन की जो क्षमता है वो भी विकसित करता है, या स्कूल के द्वारा ही यह सब उनमें विकसित करवा पाना संभव होता है। तो यह कह सकते हैं कि जैसे जीवन के इन उच्चतर मूल्यों का समावेशन का कार्य भी विद्यालय का ही होता है। इस तरह से जो स्कूल के कार्य हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब विद्यालय को ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में हमने इसकी आवश्यकताओं और महत्व के साथ इसके जो कार्य हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे।